वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे और वो चीज़ है डाटा वैलिडेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में आए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। उन्होंने अभी पहला वीडियो देखे है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने एक यहाँ पर एक एक्सेल का शीट बना लिया है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ ओपन करके। तो हम लोग का जो शीट है ये रहा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन ये थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, तो इसका आपको ध्यान से देखना है ये वीडियो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कैसे बनाते हैं डाटा वैलिडेशन में वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे एक कोई भी डाटा ले लीजिए, जैसे कि मैंने मतलब डिवीजन में तीन कैटेगरी का डाटा लिया है, एक ऐप है और प्रोडक्टिविटी है और एक है आपका यूटिलिटी, ठीक है। ये तीन कैटेगरी मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डाटा वैलिडेशन। तो डाटा में जाऊँगा, डाटा में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक डाटा वैलिडेशन का कॉलम मिल जाता है डाटा टूल्स के अंदर में, तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। इसमें मैं क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया आ गया जो अलाउ करना है आपको, जिस भी आप वैल्यू में चाहिए, होल नंबर चाहिए, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपना क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हो। तो अभी मैं लिस्ट पे लगाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सोर्स है यहाँ में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा अभी जो मेरा है एप्स। तो उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, फिर प्रोडक्टिविटी होगा, फिर उसके बाद होगा यूटिलिटी। तो ये हम लोग का हो गया। अभी मैं क्या कर दूंगा, अभी मैं ओके कर दूंगा। ओके कर देने के बाद यहाँ पे देखिए एक ये आ गया है, ठीक है। जैसे हम लोग फिल्टर लगाते थे, फिल्टर लगाते वक्त जो आ जाता था ये वाला आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैंने जो बनाया था वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो, प्रोडक्टिविटी पे रख सकते हो, ठीक है, ऐप्स में रख सकते हो, यूटिलिटी पे रख सकते हो। इसका और एक मतलब चीज़ है जानने के लिए, तो अभी मैं उसको जानने के लिए क्या कर दिया हूँ, देखिए आप। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, यहाँ में हम लोग लिख लेते हैं और इसका स्पेलिंग गलत हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, फिर से इसको रीनेम करना पड़ता है। तो वो नहीं करके हम लोगों ने क्या किया है, ये वैसा ही जो कैटेगरी हम लोग का डिवीजन है ये वाला में कॉलम में, वो डिवीजन हम लोग यहाँ पे रख दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में जाएंगे तो इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हट गया है यहाँ से। फिर से मैं जाऊंगा ये डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू जो अलाउ में एनी वैल्यू था वो मैं लिस्ट पे करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो वाला मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये यहाँ में जाऊंगा और हम लोग का जो ये तीन है डिवीजन में इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर करने के बाद इसका ये वाला आ गया है सोर्स और ओके कर दूंगा। ओके कर देने के बाद देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे भी बन गया है, ठीक है। और यहाँ में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ में भी मुझे शो करता है ऐप्स, प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए ऐप्स का स्पेलिंग मुझे ऐप ही चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ में जाऊँगा, ये वाला सीट में जाऊँगा, ये जो ऐप्स है इसमें मैं एस कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। और यहाँ पर आते ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप अगर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ से भी हट गया ये, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, बार बार आपको रीनेम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ये आसानी से हो जाता है। तो गाइस जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया एक चीज़, वो आप लोगों को सही से ये यूज़ करना है। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी एक टेस्ट करूँगा, यहाँ में जाऊँगा ये वाला सीट पर और यहाँ पर मैं एक नया जो डिवीज़न है वो वाला ऐड कर दूँगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ये वाला अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये भी आ गया, ठीक है। और ये आने के बाद अगर ये सीट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर क्लिक करता हूँ तो आता है कि नहीं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नहीं आया। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोग को फिर से ये वाला डाटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। फिर डाटा वैलिडेशन में जाके ये वाला जो सोर्स है, ये सोर्स में ये तीनों ही लगाया था तो इसको भी लगाना है। तो ऐसे करके आप लगा सकते हो, लेकिन हम लोग वो उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला सोर्स जो है इसका जो
ड्रैग कर देने से हो जाएगा, वो वाला चीज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हो गया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइव वाला है, फाइव वाला के ठीक यहाँ में मैं क्या कर दूँगा, एक ऊपर में मतलब फाइव का लगा दिया तो ऐप के नीचे ये वाला आ गया। तो अभी हम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये लेके चला गया मैंने। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये आता है कि नहीं, बिल्कुल से आएंगे, आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे करोगे ना आप तो ज़रूर जाएगा। इधर देखिए ये सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे शो कर रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ये भी आपको अगर ज़्यादा लंबा प्रोसेस लग रहा है तो मैं इससे भी आसान एक शॉर्टकट आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला शीट में आऊँगा मैं अभी, ये शीट में आके मुझे एक नया यहाँ पे एक डिवीजन चाहिए, तो वो हो जाएगा हम लोग का वेबिनर। ठीक है, ये वेबिनर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखते हैं आते हैं कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला शीट में फिर से जाना है, फिर से मैं चला गया, चला जाते वक्त इसको यहाँ पे लाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ हमें बीच में नहीं लाएंगे, ये एक्स्ट्रा रो निकाल के यहाँ हमें पेस्ट नहीं करेंगे। तो एक सीधा साधा सा ऑप्शन है, आपको प्रेस करना है शिफ्ट वाला जो बटन है कीबोर्ड का, वो प्रेस करना है। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके ऊपर में लेके जाना है, जिससे कि मुझे चाहिए ऐप के नीचे, तो ऐप के नीचे मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। तो अभी देखते हैं ये आते हैं कि नहीं, बिल्कुल से आएंगे। ये देखिए ऐप के नीचे वेबिनर आ गया है, इसको और भी आसान कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये जो हम लोगों ने डिवीजन बनाया था, ये डिवीजन अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हो तो और भी आसान हो जाता है आपके लिए। तो कैसे आसान हो जाता है मैं आप लोगों को बिस्तर से बताता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको सिलेक्ट करिए यहाँ तक, फिर उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करिए। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा सही जो रेंज है वो सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और इसी के साथ नीचे में आपको दिखाई देगा माय टेबल हैज़ हेडर्स, तो मेरा टेबल में हेडर्स हो गया डिवीजन, तो सही है ये है मेरा, तो मैं अभी ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा टेबल डिज़ाइन हो गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ये वाला सीन आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं खास जो जानकारी है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ में जैसे हमने कुछ टाइप कर दिया और ऑटोमेटिकली ये वाला जो ड्रॉप डाउन है यहाँ में शो करेगा, ये हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मुझे यहाँ में टेबल का एक जो नेम है वो भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल टू बोल के नेम दिया है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दूँगा। फिर उसके बाद लिखूँगा यहाँ में टेबल डीप। ठीक है, फिर एंटर कर दूँगा, ये मेरा टेबल का नाम हो गया टेबल डीप। सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया टेबल बनाने का, आपका जो डाटा का जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता है। यहाँ में एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इक्वल लगा के ये जो टेबल है मेरा, इसको मैं अभी क्लिक करूँगा। एक जो एक्सेल मुझे बना के दिया, ये टेबल का रेफरेंस एक बना के दिया, जो नाम हो गया टेबल डिव डिवीजन। ये जो टेबल डिव है वो मेरा डिवीजन का जो कॉन्टेंट है वो है, और डिवीजन ये मेरा हेडर है, जो ये टेबल का हेडिंग है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है रेफरेंस मुझे बना के दिया है, ये वाला मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। गाइस अभी डाटा वैलिडेशन में ये वाला जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो हम लोग का पेस्ट हो के आएंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे इक्वल लगा के ये ओके में प्रेस करता हूँ, तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग का ये डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का आगे जो रेफरेंस लगाना चाहिए वो वाला हम लोग फंक्शन लगाएंगे इनडायरेक्ट का। ठीक है, इनडायरेक्ट का लगाएंगे, फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट जो रेफरेंस है वो वाला यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ में जो लास्ट में है इसको ऐसे करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो हम लोग का ओके है इसमें प्रेस कर देंगे। ये देखिए ओके कर देने के बाद यहाँ में अगर मैं जाता हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, 3 5 आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ कुछ, मतलब जो मेरा ध्यान में है वो वाला
जो डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मुझे डायरेक्टली वहाँ में मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं। चलिए यहाँ में जाते ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करते, ये देखिए सारा का सारा ऑटोमेटिकली आ गया। तो इतना आसान बना सकते हैं आप अपना रिपोर्ट को। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेंगे जितना भी, मतलब यहाँ पे आप डिवीज़न मतलब टेबल में जितना भी ऐड होता चला जाएगा वो वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर रख दोगे तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करने का मैसेज आप दे सकते हो। ये वाला डाटा वैलिडेशन की मदद से होता है। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन की मदद से कैसे होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला डाटा वैलिडेशन में मैंने चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सेटिंग्स है उसी में हम लोगों ने काम किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज में एक मैसेज देंगे सिलेक्ट डी, फिर उसके बाद डिवीजन, तो ये वाला हम लोग मैसेज इनपुट कर देते हैं यहाँ में। फिर एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में क्या करते हैं ये वाला हम लोग को आपको सिखाऊंगा मैं, ये वाला आपको मैं सिखाऊंगा एरर अलर्ट में क्या करते हैं ये वाला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी पहले ये वाला ओके कर देते हैं। ये वाला ओके कर देने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लेते, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करते ये वाला जो मैसेज है वो वाला शो करे, प्लीज़ सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट डिव, प्लीज़ सिलेक्ट डिवीज़न, तो ये वाला सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी एरर मैसेज कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ में अगर मैं ये वाला जैसे हो गया मुझे चाहिए क्लाउड CLOU, ये इतना तक मैंने टाइप करके ओके कर दिया तो ये एरर मैसेज आ गया। तो वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल फॉर दिस सेल। ओके, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है एक मैसेज अपने हिसाब से मैं देता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, फिर उसके बाद एरर मैसेज में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो एरर मैसेज डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ओके कर देने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी अगर मान लीजिए ये मैंने काट दिया तो क्लाउड फिर से मैं टाइप करना चाहता हूँ CLOU, डी में रह गया, अभी मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, जो एरर मैसेज मैंने दिया था हमें प्लीज़ सिलेक्ट द डिवीज़न, वही एरर मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग काम करेंगे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मुझे चाहिए आज का जो डेट है उसके बाद का जो भी डेट है वो वाला चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप कॉमेंट लगा सकते हो, लेकिन कॉमेंट यूजुअली क्या होते हैं बहुत जन नहीं पढ़ते, तो अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, हमें जाने के बाद जो हम लोग का डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन है यहाँ में जाएंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ में क्लिक करेंगे, यहाँ में क्लिक करके ये जो डेट है डेट में क्लिक करेंगे, डेट में क्लिक करने के बाद जो डाटा है डाटा हम लोग को चाहिए ग्रेटर देन, तो आज का जो डेट है वो वाला से मतलब नेक्स्ट जो कोई भी डेट रहेगा वो वाला चाहिए। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जो टुडे का होगा, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ में ओपन और क्लोजिंग पैकेट भी देना है, पैकेट भी ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट भी देना है, फिर उसके बाद हम लोग इनपुट मैसेज देंगे प्लीज सिलेक्ट द प्रोजेक्ट डेट, तो ये वाला देंगे डेट, उसके बाद एरर मैसेज देंगे प्लीज सिलेक्ट द फ्यूचर डेट। तो गाइस अभी हम इसको ओके कर देंगे, ओके कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक डेट सिलेक्ट करता हूँ प्लीज सिलेक्ट द प्रोजेक्ट डेट, तो डेट सिलेक्ट करने के लिए मुझे बोला गया है, जो डेट है मैं एक बैक डेट वाला डालता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि हो गया 31st
मार्च, उसके बाद 2021। ये देखिए एरर मैसेज जो मैंने वहाँ पे दिया था ये आ गया, प्लीज सिलेक्ट द फ्यूचर डेट। तो अभी मैं क्या करूँगा यहीं से, तो मैं क्या करूँगा एक डेट डाल दूँगा जो आज के डेट से नेक्स्ट डेट का हो, ठीक है। तो अभी 5 8 देखिए ऑटोमेटिकली ये ले लिया, एरर मैसेज वो वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ में मैंने ले लिया तो ये वाला शो कर दिया, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर हम लोग को रखना है एज पर ये प्रोजेक्ट मतलब डाटा है जो वैलिडेशन है वो वाला के मुताबिक हम लोग को रखना है 10,000 से 50,000 के बीच में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में हम लोग का जो रेडी कॉल रेडी मोड है और एक्टिव सेल है इसमें रख के फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जाके ये वाला सेटिंग जो है यहाँ में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो होल नंबर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो डाटा है हम लोग का ये बिटवीन ही रहने देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को चाहिए 10,000 से 50,000 तक। फिर उसके बाद 50,000, ठीक है, 50,000 रख के ये वाला मैंने ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखिए आप, मैं अगर 5,000 या फिर कुछ डालता हूँ 10,000 के नीचे तो ये मैं एरर मैसेज शो करेगा, लेकिन एरर मैसेज मैंने डाला नहीं है। फिर से एरर मैसेज मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ में देखिए ये एरर मैसेज प्लीज सिलेक्ट तो ये वाला हो गया, ठीक है। ये मैंने एरर मैसेज भी दे दिया। तो अभी मैं अगर यहाँ पे 20,000 लगाता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज नहीं देगा। अगर मैंने यहाँ पे 5,000 लगाया, ये देखिए एरर मैसेज आ गया प्लीज सिलेक्ट बिटवीन 10,000 to 50,000। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका एरर मैसेज रख देना, ऐसे ही आपका शो कर देगा वो हमें एरर मैसेज, ठीक है। आपने अगर गलती ले ली तो अगर मैं 60,000 डालता हूँ तो भी ये एरर मैसेज शो करेगा मुझे, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग कंपनी कोड रखेंगे जो हम लोग का ये प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक हम लोग का जो कंपनी कोड है वो मतलब मिनिमम 10 तक ही रहना चाहिए और ज़्यादा रहने से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग में जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो है टेक्स्ट लैंड में जाएंगे, टेक्स्ट लैंड में जाके यहाँ में सिलेक्ट करेंगे लेस देन। तो यहाँ में रखेंगे हम लोग लेस देन रख के जो हम लोग का 10 है वो वाला 10 रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। अभी अगर कंपनी कोड यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज़्यादा हो गया, ये तो 10 से ज़्यादा हो गया, 3 3 6, ठीक है, 6 हो गया, 8 9 10 10 तो हो गया, ठीक है। और एक दबा देता हूँ मैं तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे जो एरर मैसेज है वो नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं दे देता हूँ। ये अभी देखिएगा जो मैंने 52 दबाया तो ये ले लेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं अभी एंटर करूँगा, ये डायरेक्टली शो कर रहा है टाइप 10 कैरेक्टर, तो 10 ही कैरेक्टर मुझे डालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। ये वाला हम लोग डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे आप देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ में रख के जो डाटा यहाँ पे जाएंगे, ये डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ में जाएंगे, ये अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ में सिलेक्ट करेंगे लेस देन। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे मिनिमम 150, ठीक है, 150 या यूज टू टेक 40, ओके 40 करें। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ में मैसेज दे देंगे प्लीज
डोंट एंटर मोर देन 50, ओके। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने वो वाला डाटा वैल्यूशन क्रिएट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे डबल टाइप करता हूँ, ऐसे कुछ भी टाइप कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा मैं 50 से ज़्यादा टाइप कर लिया, इसीलिए प्लीज़ वो वाला जो मैंने मैसेज दिया था वहाँ पे रखा था, जो एरर मैसेज है वो वाला शो कर रहा है यहाँ पे, प्लीज़ डोंट एंटर मोर देन 50, ओके। ये हो गया। अगर आप किसी भी ले लिए, इट वॉज ए नाइस, इट्स ए सॉरी इट्स ए नाइस प्रोजेक्ट ऐसे रखते हो, या फिर कुछ प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दे दीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऐसे करके रख दीजिए। फिर उसके बाद अभी देखिए आराम से ये हो रहा है। अभी अगर 50 से ज़्यादा अगर यहाँ पे टाइप कर दिया तो एरर मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये था लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को सिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाला जो पहला जो हम लोग का ये रो था, इसी में ये सब मैंने करके दिखाया। तो अभी अगर मान लीजिए मुझे 20 रो तक चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। पहले आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसके बाद कंट्रोल सी करके प्रेस कर लीजिए, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन है यहाँ का सिलेक्शन ले लीजिए, जो 20 तक चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था तो 20 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद जो पेस्ट स्पेशल है इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद जो ये जो पेस्ट है ये वैलिडेशन में क्लिक करिए, फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है ये वाला नेक्स्ट वाला वे आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये वाला पूरा ही आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से ये वाला कर सकते हो, वेबिनार में है तो नेक्स्ट वाले से करके आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो आप देख रहे हो जो मैंने पेश कर दिया तो अभी तक यहाँ पे जो जो डाटा वैलिडेशन मैंने ये फर्स्ट रो में लगाया था, ये वाला रो में बाकी 20 तक में भी आ चुका है। तो आप उसको चेक करेंगे कैसे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ में मैंने अगर आ गया, देखिए ये वाला जो हम लोगों ने वहाँ पे किया था, ये सारा का सारा ये आ रहा है, देखिए अप टू 20, 20 तक मैंने किया था तो 20 तक आ रहा है, 21 तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ में चला जाता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट में, तो अगर मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो सेटिंग हम लोगों ने किया था वही है यहाँ में, ठीक है। मैं अब एकदम लास्ट में दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो है सेल यहाँ में दिखाता हूँ, देखिए ये वाला ही है। और एरर मैसेज जो हम लोगों ने लगाया था प्लीज़ डोंट एंटर मोर देन 50, तो वही एरर मैसेज है, ठीक है, वो वाला काम करेगा। आप यहाँ से लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा मतलब वो बन चुका है 20 तक, ठीक है। तो गाइस यही था डाटा वैलिडेशन, आप कैसे एडवांस लेवल में यूज़ कर सकते हो। ये मान लीजिए इतना भी एडवांस लेवल नहीं है, इससे भी मतलब थोड़ा एडवांस लेवल में जाने के लिए आपको कस्टम वाला यूज़ करना पड़ेगा और अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ में जाके आप एडवांस लेवल वाला ये डाटा वैलिडेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो अभी दे रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर एडवांस लेवल वाला चाहिए तो आएगा वो सब भी बाद में वीडियो में, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है, चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना, लाइक करिएगा और कमेंट पे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये बेहतर हो सकता है, ये तुमने वो नहीं बताया, प्लीज़ कमेंट पे बताइए, तो मुझे भी आप लोगों से जानना है, आप लोग भी एक्सपर्ट हो सकते हो मेरे से, ठीक है। तो जानने से मैं नेक्स्ट जो वीडियो भी ऐसा वाला कंटेंट पे आएगा तो मैं वो वाला इनपुट लेने के लिए आपसे ट्राई करूँगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एज मच एज यू कैन, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम करने हैं आपको, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करिएगा ताकि अगला जो कोई मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।